हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशुतोष त्रिमूर्ति व्लॉग में। अभी मैं इस टाइम खड़ा हूँ तुगलकाबाद फोर्ट के पास। तो ये देख लो, मेरे बाहर इधर फोर्ट है, तुगलकाबाद फोर्ट आप देख रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ अभी सूरजकुंड मेले की तरफ, सूरजकुंड रोड पे। तो आपको मैं दिखाऊंगा, सूरजकुंड मेला लगने वाला है कल 2 फरवरी से 16 फरवरी तक ये मेला लगता है। और इस बार शायद कह रहे हैं कि दिल्ली की थीम लगेगी। चलो देखते हैं कौन सी थीम लग रही है। वैसे हर देश की थीम लगती है यहाँ पे। तो अब मैं दिखाने वाला सूरजकुंड मेला में क्या क्या तैयारी हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही है, वो भी मैं आपको सब इस व्लॉग के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस व्लॉग को एंड तक देखना ताकि आपको सूरजकुंड के बारे में सब कुछ पता चल जाए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने रुपए की टिकट है और क्या है, ये सब मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगा। बाकी अभी तो फिलहाल मेला नहीं लगेगा। आज मेले की जो भी डेकोर हो रही होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस व्लॉग के अंदर। बाकी आज तो 1 फरवरी है, 2 फरवरी से मेला लगने वाला है। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कार से अपनी से, तो शूटिंग रेंज वाली रोड से जाऊंगा मैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ रोड से जाते हुए सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है और किस टाइम लगता है और कब तक लगेगा, टाइमिंग वगैरह मैं आपको इसी व्लॉग के अंदर सब बताने वाला। तो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलना भाई, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। चलिए गाइस देखते हैं, और आपका ऐसी प्यार बनाए रखना ताकि मेरे को और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ तुगलकाबाद की गांव की रेड लाइट पे। अभी हो चुकी है ग्रीन सिग्नल, अब मैं चल रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। ये हमने टर्न कर लिया है गांव की तरफ से बाहर शूटिंग रेंज वाली रोड के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग रेंज वाली रोड। ये मेरे राइट साइड में देखो, ये फोर्ट है तुगलकाबाद फोर्ट, आपको दिखा देता हूँ अभी। सही जंग झाड़ी वाड़ी से लग रहा। ये देख लो, ये फोर्ट आ गया, ये फोर्ट का रास्ता है, ये रहा पूरा फोर्ट, देख लो आप। ये तुगलकाबाद का फोर्ट है और ये जा रही है शूटिंग रेंज के लिए रोड। इधर हम हो जाएंगे लेफ्ट शूटिंग रेंज के लिए। थोड़ा सा मोबाइल नीचे कर लेता हूँ अभी तो फिलहाल, पुलिस वुलिस वाले ना खड़े हों यहाँ पे, यहाँ खड़े रहते हैं इस कॉर्नर पे। ठीक है, वैसे तो नहीं खड़े। ये हम मुड़ गया मैं शूटिंग रेंज वाली रोड के लिए। भाई इस रोड पे आके ऐसा फील होता है कि जैसे कि भाई हम कोई हिमाचल वगैरह में घूम रहे हो। देख लो आप चारों तरफ से रोड, मजेदार रोड है, एकदम स्मूथ रोड है। थोड़ा सा लंबा रूट पड़ता है लेकिन बहुत अच्छा है, खाली मिलता है, जाम नहीं मिलता। अगर आपको मेले में आना हो तो इस रूट से भी आ सकते हो आप। ठीक है, इधर आप इस रूट से अगर आप आओगे तो आपको देखने को एक चीज मिलेगी, आपको यहाँ हेलीपैड भी मिलेगा इस वाले रूट से। अगर आपको सूरजकुंड में अगर हेलीकॉप्टर से देखना है तो शायद मे भी 3,000 रुपये फीस है उसकी, पर हेड 3,000 रुपये है हेलीपैड से अगर आपको सूरजकुंड मेला घूमना है तो। बाकी ये शूटिंग रेंज वाली रोड है, यहाँ ये सारा एयरफोर्स है इधर राइट साइड मेरे। और अगर आप इस रूट से आ रहे हो तो बंदर के लिए कुछ लेके आ सकते हो आप, चने वगैरह। इधर देखो बंदर वगैरह भी रहते हैं, ये सारे आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, ये बंदर हैं ये सारे। तो दोस्तों देखो, इस रोड का नजारा ही अलग है यार। जिगजैग रोड है, एस बनी हुई है, कभी जेड बना होता है रोड पे। ये देख रहे हो आप, पूरी रोड स्मूथ है भाई, मजेदार रोड है, कुछ भी गाओ। पर भाई इस रोड पे अगर आप आ रहे हो ना फैमिली के साथ तो भाई गाड़ी बहुत स्लो चला के लेके चलो, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं ज्यादातर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यार कोई कैसे चला रहा है कैसे नहीं चला रहा, हम तो सेफ चलाते हैं पर लोग थोड़ा कुछ अलग ही चलाते हैं, डिफरेंट गाड़ी। ये देख लो भाई, इस रूट पे ना एक चिड़ियाघर है खुला, छोटा सा स्मॉल चिड़ियाघर है, पर उसमें कहते हैं बर्ड है, कुछ भी नहीं है, जंगल है वो पूरा। अभी मैं दिखाऊंगा इस रूट पे आने वाला है वो भी। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहो फटाफट, लाइक करना मत भूलना भाई। देख रहे हो गेट टर्न कैसा आया, गाड़ी बड़ी स्मूथ से मोड़नी पड़ती है यहाँ पे, कब कैसा टर्न आ जाए। जो चिड़ियाघर का नाम बता रहा था मैं आपको,
उसका जसोला भाटी है, जसोला भाटी वो आने वाला है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी वीडियो में, मेरे वीडियो के राइट साइड में पड़ेगा वो जसोला भाटी। भाटी भाटी कहते हैं, मैंने भाटी कहते हैं, मैं अभी उसमें गया नहीं हूँ बट मैंने काफी सारे लोगों से सुना है कि उसके अंदर कुछ नहीं है। ये आगे देखो राइट साइड में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसी रूट पे आने वाला है। देख लो भाई, ये रूट देख रहे हो आप, इस रूट पे रात में भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डर वाली बात नहीं है। अगर दिन में अगर आपको डरावना लग रहा हो तो आप रात में भी ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ नहीं होने, चोरी चकारी से कोई मतलब नहीं है। देखो ये आ गया राइट साइड में मेरे वीडियो के, ये देखो आप, ये रहा इसकी। भाई मैंने अभी व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं सब जंगली जंगल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये रूट देख लो भाई आप, मज़ेदार रूट है। आप है ना हेलमेट लगा के जरूर आना, यहाँ पे एक चेक पोस्ट पड़ती है, उस पर चेकिंग हो सकती है। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो कार से आ रहे हो तो सीट बेल्ट प्रॉपर अपने पेपर्स वगैरह लेके चलिए। देखो यहाँ पे एक ना बैरिकेड लगा हुआ है, थोड़ा मैं मोबाइल नीचे करना पड़ेगा मुझे, तो मैं बैरिकेड के बाद से वीडियो बनाऊंगा बट आपको दिखा देता हूँ, अगर नई पुलिस वाले हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी भाई रिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ तो भाई सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे को। ये देखो ये बैरिकेड है, ये हरियाणा पुलिस का बूथ आएगी एक बीच में, ये पूरा हमने हरियाणा में एंट्री कर लिया है। इस बैरियर को पार करने के बाद ये हमारी एंट्री हो गई हरियाणा में, ठीक है। यहाँ से सूरज कुंड लग चुका है, ये देख रहे हो आप। जो मैं हेलीपैड वाला बता रहा था वो इधर लगता है, इधर हेलीपैड से उतरते हैं। ये देखो अभी पूरा खाली ग्राउंड है ना, यहाँ से हेलीपैड से अपना जो भी करना होता है सूरजकुंड में घूमना वगैरह होता है हेलीपैड में, वो इधर है, हेलीपैड पॉइंट है ये। बाकी ये देखो आप पूरा रोड हरियाणा का भी मस्त है एकदम। और भाई कोई अगर ड्रिंक वगैरह भी करता है तो यहाँ पे ठेका भी है, ये देखो ये रहा, थोड़ा मोबाइल नीचे करना पड़ेगा, पुलिस वाले खड़े यहाँ पे सूरजकुंड मिल गए। ये देखो ये रहा ठेका, यहाँ से आप अपनी वाइन वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये सूरजकुंड के लिए आ चुके हैं हम, बस बचा है एक दो मिनट का फासला, सूरजकुंड की जानकारी देने वाले आपको इसी वीडियो में आशु त्रिमूर्ति भाई आपके। साफ सफाई रोड देख रहे हो कितना क्लीन है एकदम, ऐसा लग रहा है हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं बट नहीं यार, ये हरियाणा है। ये देखो विवान ताज होटल भी है इधर, दिख रहा होगा वीडियो के अंदर आपको, विवान ताज होटल भी है इधर, जो भी अगर बड़े बड़े होते हैं वो सब यहीं रुकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट्स, सूरजकुंड मेले में चल के देखते हैं क्या तैयारी हो रही है क्या नहीं हो रही है, ठीक है गाइस देखते हैं। ये देखिए सूरजकुंड मेले की बैक गेट है, ये सूरजकुंड का बैक गेट है, यहाँ से बैक गेट है, वो फ्रंट गेट आ गया है। यहाँ से अगर आप राजेंस होटल वगैरह जाना चाहते हैं तो वहाँ से जा सकते हैं आप, ये राजेंस होटल के रूट जा रहा है सूरजकुंड का अंदर। और जो मेला लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो लगता है आगे, तो आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है गाइस आगे चलते हैं। पुलिस वाले तो भाई मुझे ऐसे देख रहे थे, भाई साहब डर भी लग रहा था एक अंदर से, पर मैं गलत काम थोड़ा ना कर रहा था, डरूंगा क्यों, ठीक है। गाड़ी रोक के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी जो चल के बना रहा था वो तो भाई मैंने उस पर लगा रखा है। बाकी भाई कहीं कहीं रोकना पड़ता है मुझे मोबाइल को, अभी थोड़ा रोक के वीडियो बनाता हूँ मैं। अरे भाई ये तो हाइट बहुत छोटी आ गई यार, भाई देखना यार घुटने तक आ रहे हैं, घुटने तक भी नहीं आ रहे, घुटने तक भी नहीं आ रहा भैया, घुटने तक भी नहीं आ रहे, ये देख लो आप। और भाई देखो यार मेरा पूरा मोबाइल यूँ करना पड़ गया, कितना कॉम्प्लेन किया था आपने, इन्होंने कॉम्प्लेन बहुत ज्यादा पी लिया है भाई ने। और तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे? तो दोस्तों मैंने मेले में एंट्री ले चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेले का भी काम चल रहा है। वैसे मेले की देखो पार्किंग पीछे देख रहे हो आप, इधर ये पूरी पार्किंग है मेले की, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये टिकट काउंटर है इधर, आप देख रहे हो सारे इधर टिकट काउंटर है पीछे, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेले की अभी जो तैयारी चल रही है। गेट वगैरह बन रहे हैं अभी, वो पीछे देखो बन रहे हैं पीछे गेट, अभी काम चल रहा है, काफ़ी काम बाकी है अभी।
अभी देखता हूँ अंदर जाके पता करता हूँ। हर साल तो वैसे 2 तारीख को लगता है मेला, अब कौन सी तारीख को लगने वाला वो देखता हूँ मैं। चलिए देखते हैं। वैसे देखो अभी तो मेले की ये गेट बन रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता ये कल से मेले लगने वाला है। वैसे मैं देख पूछता हूँ अभी कब से लगे, पूरा मेले का भी वर्क चल रहा है, अभी तो गेट भी बना नहीं है प्रॉपर। तीन फरवरी से लगेगा, 19 फरवरी तक। ये लगाओ सूरज कुंड का बोर्ड, फ्लायर पे पढ़ता हूँ, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी तक। ये देख लो आप, 36th मेला है ये, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी तक है 2023 में। तभी ये आज रिपेयर हो रहा है थोड़ा, नहीं तो मैं कह रहा यार कल तो मेला लगने वाला है और अभी तक क्यों नहीं हुआ। इधर देखो ये सारे झूले लगते हैं इस सेट, आपको दिखा देता हूँ। इधर सारे झूले वूलों का सिस्टम है, नीचे जाके एक रो जा रही हो, और जो ये ऊपर रास्ता जा रहा है ये मेले के एंट्री में जा रहा है, इधर जा रहा है झूले की एंट्री में। तो इधर सारे झूले वगैरह की स्टॉल है सारी, बच्चे को झूले वगैरह, बड़ों के झूले, सब झूले झूल सकते हो। ये पूरा नीचे रोड जा रहा है देखो, तो दोस्तों अभी तो देखो यहाँ पे पेंटिंग चल रही है सूरज कुंड में। ये अंकल जी देखो पेंटिंग कर रहे हैं, अभी तो पेंटिंग का सारा काम पेंडिंग है अभी, तो 3 तारीख तक ही आपको क्लियर मिलेगा। ये देखो अंकल ने इन कलरों से कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, देखो बोर्ड बना रहे हैं अभी तो फिलहाल। ये देखो भाई ये पेंटिंग करी है अंकल ने, जबरदस्त जबरदस्त पेंटिंग है भाई, देख लो आप। दोस्तों देख रहे हो ये क्रेन से, अभी क्रेन है यहाँ पे, और क्रेन से देखो इनका गेट का एंट्री का पेंट वगैरह हो रहा है। अभी क्रेन पे जो बंदे खड़े होके काम कर रहे हैं वो देखो आप उस तरीके से, अभी तो गेट का भी पेंट हो रहा है, सिल्वर टोन से गेट कर रहे हैं भाई। काफ़ी काम अभी पेंडिंग सा लग रहा है मुझे तो भाई, पर ये देखो भाई थीम मुझे पता चल गई है यहाँ की, असम का थीम है यहाँ पे। और देख रहे हो अभी इस तरह से डेकोर किया हुआ है, और अभी कर रहे हैं प्रॉपर पूरा, अभी डेकोर नहीं हुआ है। ये देखो आप इस तरह से अभी डेकोर चल रहा है सारे में, अभी लकड़ बल्ले सब लटके पड़े हैं अभी तो भाई, काफ़ी काम पेंडिंग है। ये देखो अभी कैसा उजाड़ सा लग रहा है, और जब मेले के टाइम पे ऐसा फिनिशिंग दे देंगे इस चीज को सबको। ये देखो चारों तरफ काम ही काम चल रहा है अभी तो फिलहाल। उधर सारी स्टॉल वगैरह लगनी है, सामने देखो आप झोपड़ी ऐसी बनी हुई है, इधर सारी स्टॉल लगनी है, और देखो इधर भी एक गेट है। इधर जो शो वगैरह चलते हैं ना उधर तरफ को लेके चलता हूँ मैं, उधर देखता हूँ उधर क्या सीन होने वाला है। तो दोस्तों देख रहे हो आप ये वो एरिया है जहाँ पे डांस वगैरह होता है, सारा डांस वगैरह का शो वगैरह होता है यहाँ पे। देखो इस तरह से अभी खाली पड़ा है फिलहाल, तो ये ऐसे चेयर सिटिंग है, सीटिंग एरिया है सारा, फिक्स्ड सीटिंग एरिया है। देख रहे हो आप इस तरह से चुन्नटें लगाई हुई हैं, डेकोर किया हुआ है। इस बार स्टेज ये वाली है, देख रहे हो आप इस तरह से स्टेज है, देखो यहाँ पे जो सूरज कुंड का जो भी शो वगैरह होता है, डांस वगैरह नित्य वित्य जो भी सब किया जाता है वो सारे स्टेज पे किया जाता है भाई। अभी तो फिलहाल खाली है क्योंकि मेला नहीं लगा हुआ, मेला लग जाएगा 3 तारीख को भाई, फिर यहाँ पे देखना क्राउड। और अभी जैसे मेरी वीडियो में देख रहे हो पूरा खाली पड़ा है ये, और जब मेला लग जाएगा क्राउड देखना बहुत हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे सिपाही जी बैठते हैं, ये एरिया है सिपाही का है, यहाँ पे खड़े होकर रखवाली देख करते हैं, देखते हैं भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन क्या कैसे बैठा है। यहाँ से इस एरिया की एंट्री, और इधर सामने देख रहे हो वाइट सा ये फूड एरिया अपना, इधर भी फूड एरिया है और उधर भी फूड एरिया है दूसरी जगह भी, वो भी दिखा दूंगा। ये भी फूड एरिया पूरा, इसके अंदर से एंट्री करके सारा फूड वगैरह मिलने वाला है, और जितने भी ये एरिया सारा, ये सारा इधर सारा सामान लगने वाला, स्टॉल वगैरह लगने वाली है, दुकानें वगैरह, ये सब दुकानों के नंबर हैं यहाँ पे। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, पेंटिंग भी चल रही है।
तो अभी तो यहाँ पे देखो सारे बोर्ड बोर्ड कैसे पड़े हुए, फ्लायर वगैरह सब अभी काम चल रहा है। उधर देख लो सारा पाइप वगैरह प्रोसेस चल रहा है अभी मेले का। ये देखो इधर सारी बेल्टिंग से पाइप वगैरह जोड़ झाड़ के फ्लैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, अभी तो काम चल रहा है सारा बोर्ड वगैरह का। ये देखो चारों तरफ अभी काम चल रहा है, बड़ी मेहनत से शिद्दत से अपना काम हो रहा है। बोर्ड वोर्ड देख रहे हो आप, सारे मेले के भी ऐसे पड़े हुए हैं, सब अभी काम चल रहा है, सब अभी वर्क में है। 3 तारीख को एकदम फिनिश हो जाएगा। ये देखो ये स्टेज है जो आपको अभी मैंने दिखाई थी, डांस वाला एरिया सारा। उधर सारी अपनी स्टॉल्स वगैरह हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो ये सारी स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ लगने वाली है। 3 तारीख को एकदम क्लीन हो जाएगा ये मेला, देख रहे हो आप। अभी तो देख रहे हो आप इस तरह से पेस्टिंग चल रही है फ्लायर्स वगैरह की, देख रहे हो आप सारे होर्डिंग वगैरह लग रहे हैं। सारा अभी काम पेंडिंग पड़ा है, 3 तारीख को एकदम मेला एकदम ओके हो जाएगा। तो आपको मेले में आना जरूर है भाई। देखो हर साल मेला लगता है, ये फैब में लगता है हर साल, वैसे 2 फरवरी को लगता है, इस बार अब 3 फरवरी से 19 फरवरी तक है, ठीक है। तो भाई आना जरूर है, बाकी फीस भी जो उसकी टिकट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल चलते हैं देखते हैं अभी और क्या काम हो रहा है वहाँ पर। भैया ये क्या बना रहे हो? ये पत्ता है, ओनर ओनर डिजाइन होगा, डिजाइन होगा वो पत्ता है, ये उसका पत्ता बना रहे हो? अच्छा हैंडलूम का पत्ता है, हैंडलूम। अच्छा और ये क्या है, मशीन सी है? ये मशीन नहीं है, ये करके हैंडलूम का। अच्छा ये जमीन में बनती है, इसको लकड़ी बनाया गया। अच्छा 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 अच्छा, तो दोस्त आपने सुन लिया होगा भाई जो बता रहे हैं, तो वो ये मशीन पूरी रेडी है। इस तरह से अभी और भी चल रहा है इसमें प्रोग्रेस, बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ। चलते हैं उस तरफ। ये देखो इस बार थोड़ा सा ये नया लुक दिया है, ये पहले गेट वगैरह नहीं बनते थे, अब ये गेट वगैरह दिए हैं हमें, ये थोड़ा सा नया लुक है। ये देख रहे हो आप इस तरह कैसे ये फैन बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लुक दिया है। सोलर सिस्टम, ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, ये नया बना रहे कुछ। ये क्या बन रहा है भैया? हाँ आसाम का नहीं, ये आसाम का बना रहे कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। देखो भाई ये आसाम की थीम बना रहे, कोई नई सी पहले नहीं हुई करती थी, अब ये बना रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये आसाम का कुछ है, और देखो यहाँ पे छोटी छोटी अम्ब्रेला वगैरह भी टांगी हुई है हर जगह पे। ये देखो उधर वाइट टंग रही है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, पेड़ों पर भी बहुत डेकोर किया हुआ है अच्छे से। ये सारी स्टॉल रेंट पर चढ़ चुकी हैं, देख रहे हो आप इस तरीके से। इनसे पूछते हैं, इनको कुछ पता होगा। भैया क्या बन रहा है ये? मुझे भाई कुछ नहीं पता है, भाई से पूछ लो। आपको पता है भाई क्या बन रहा है ये? अच्छा भाई को भी नहीं पता, भाई आपको पता है क्या बन रहा है ये? क्या बन रहा है कुछ बताएंगे आप? सर इसमें ना 8 स्टेट हमारे यहाँ पे भाग ले रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, 8 स्टेट क्या, एक आर्टिस्ट होता है ना जी, जी कपड़े का आर्टिस्ट होता है जी जी, वो हर केबिन में शिफ्ट किए जाएंगे, वो अपना अपना आर्ट दिखाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें 8 केबिन है इसके अंदर, 8 केबिन बनेंगे इसके अंदर। तो देखो भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि 8 केबिन इसके अंदर बनेंगे, हर इस स्टेज के जो भी कारीगर होंगे यहाँ पे कपड़े वाले बुनने वाले जो भी, वो इसके अंदर बिठाए जाएंगे, सब अपने अपने स्टेज के कारीगरी दिखाएंगे इसके अंदर। तो ये देख रहे हो भाई ये बन रहा है इस तरह से, अभी ये 3 तारीख तक पूरा रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद देखना 3 तारीख को उसकी टिकट लेके एंट्री करके मेले में, बहुत अच्छा मेला लगता है ये, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ आगे चल के, और आगे आगे क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है मेले में। उधर चलते हैं, उधर कुछ नया सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या टेंट है क्या है वो, देखते हैं उधर।
नहीं उधर कुछ नहीं है अंदर। अगर आपको यहाँ पे फोटो सेशन भी करना तो देख लो भाई रेड कलर का कितना प्यारा बन रखा है, फोटो सेशन के लिए गेट बनाया हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखो भाई रेड कलर का कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह से जितना पास होते जा रहे उतना प्यारा लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये रेड कलर का। यहाँ पे आप अपनी प्री वेडिंग शूट करा सकते हैं, फ़ोटो शूट करा सकते हैं, फैशन पोर्टफोलियो शूट करा सकते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा अपना व्यू मेले का। अभी तो आपको ये फ़िलहाल उजाड़ सा लगने वाला है, 3 तारीख के बाद चमचमा के मिलेगा ये मेला, क्योंकि भाई आसाम का मेला लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट का। बाकी मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, थोड़ी थोड़ी पेंटिंग कर रखी है पहाड़ों पे, इधर भी आप अपना फ़ोटो सेशन करा सकते हो। देखो इधर भी आर्ट बनाई हुई है बंदों ने, आप देख सकते हो इस तरीके से ये पत्थर है पहाड़ के, इन पर कलर वगैरह करके और ये इस तरीके से आर्ट बनाई हुई है। ये देखो आप चारों तरफ, देखो भाई दोस्तों दूसरा स्टैचू ये रहा एक, यहाँ पे भी आप अपना फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो। ये भी देखो बहुत प्यारी चीज है, देख रहे हो आप इस तरीके से। और आपको एक दिखाता हूँ, डमरू में बाबा जी बैठे हुए हैं, आदमी ढोलक बजा रहा है, वो भी बहुत प्यारी है घासों के अंदर। ये देखो आप इस तरीके से, ये देखो ये भी बहुत प्यारी आर्ट है, मिट्टी का बनाया हुआ है। ये देखो आप इस तरीके से मेले का तीसरा गेट है, जो आपको वहाँ से एंट्री कराता है। जैसे मैंने आपको बताया था राजेंद्र होटल की तरफ से, अब अगर आप आएंगे तो आपको ये वाला गेट मिलेगा एंट्री के लिए। देख रहे हो आप इस तरीके से यहाँ से एंट्री हो सकती है आपकी, और ये पूरे इधर से ऐसा व्यू है देखो आप। अभी तो फिलहाल पुलिस वगैरह सब खड़ी हुई है, तो मैं आपको वहाँ तक ले जा नहीं पाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो के लिए मना करेंगे फालतू में, इसलिए मैं आपको इधर से ही दिखा रहा हूँ। बाकी और अंदर से व्यू दिखाता हूँ मेले का। भाई ये भी एक नया आर्ट बनाई हुई है, देख लो आप इस तरीके से पेड़ के डंठल के ऊपर एक टाइगर को खड़ा कर रखा है। ये देखो इस तरीके से देख रहे हो, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो मेले की एंट्री, कितना प्यारा गेट लग रहा है। ये देखो आप इस तरीके से भाई बहुत ही प्यारा मेला लगने वाला है 3 फरवरी को। ये देखो आप गेट, देखो आप लुक गेट की। ये देख रहे हो आप इस तरीके से, ये सूरजकुंड मेले का मैप है इधर। इधर भी सारा वो है फूड एरिया वगैरह, इधर मैंने आपको दिखाया नहीं था, इधर भी लेके चलता हूँ उसके बाद आगे दिखाऊंगा आपको। ऊपर देखो काइट वगैरह से भी डेकोर किया हुआ है, इधर भी काफ़ी फ्लायर लगाए हुए हैं सूरजकुंड मेला के क्राफ्ट के। ये देखो इस तरह से, इधर आपको चारों तरफ शॉल वगैरह मिलेगी, और ऊपर जाएंगे तो आपको फूड एरिया मिलेगा। फूड एरिया भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, कुछ थोड़ा सा थीम के बारे में भी दिखा देता हूँ कैसी थीम लगने वाली है। ये देखो इस तरह के बंदे आएंगे सारे, ये थीम है अपना। तो दोस्तों देख रहे हो ये पूरा सारा ऊपर जाके फूड एरिया पड़ता है,
मैं आपको दिखा रहा हूँ फूड एरिया, इधर देख लो, इधर से आपको पता लग जाएगा फ्रिज वगैरह लग चुके हैं। ये सारा फूड एरिया है जितना भी है, ये सारा, ये सबसे बड़ा फूड एरिया है इधर मेले का। देखो ऊपर कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी हार्ट बनाई हुई है पेड़ के ऊपर, बहुत ही प्यारी हार्ट लग रही हो। इधर नागालैंड, सिक्किम की थीम है। ये भाई गेट बना रहे हैं, जो यहाँ पे गेट वगैरह लगे हुए हैं मणिपुर, नागपुर, सिक्किम, मिक्किम के जो भी है, वो इस तरीके से यहाँ पे गेट वगैरह बन रहे हैं। अभी ये देखो लकड़ी के गेट बन रहे हैं इधर। अच्छा उधर पेंटिंग चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से गेट बन के रेडी हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो जैसे ये लिख रहे नॉर्थ, इस तरह से पेंटिंग हो गए और इस तरह से फाइनल रिजल्ट जो होता है वो ये होता है। देखो इस तरह से लग रहा है ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। ये देखो आप इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से लगने वाला है भाई। मज़ेदार चीज़ लग रही है भाई, बिल्कुल मज़ेदार, डिफरेंट चीज़ लगने वाली है इस बार मेले में। और अभी इस बैल को पैक कर रखा है, ये देखो आप इस तरीके से। तो ये सारा पीछे जितना भी देख रहे हो अभी, सारा सारा फूड एरिया है ये वाला सारा। इधर की ये जो रूफ है सारी फूड एरिया की है, उधर लिखा भी है नॉर्थ ईस्ट, देख रहे हो सारा फूड एरिया है ये। ये सिटिंग एरिया, जो भी जिसको बैठ के खाना खाना हो तो यहाँ पे खा सकता है, ये सारा सिटिंग एरिया है। इधर देख रहे हो आप कॉफ़ी टी की सबकी लगी हुई है स्टॉल वगैरह, छोटी छोटी कैबिन से बने हुए हैं। और उधर देख रहे हो कि आप राजस्थानी फूड्स लगे हुए हैं, इधर सारा राजस्थानी स्टॉल है। देख रहे हो आप चारों तरफ सफाई हो रही है और स्टॉल अभी रेडी हो रहे हो। टॉयलेट भी है, देख रहे हो आप मेल फीमेल का टॉयलेट भी है इधर, साफ सुथरा टॉयलेट है एकदम नीट एंड क्लीन। ये देखो आप पूरा टॉयलेट है। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे एक ये वाला गेट भी है, जिसमें यहाँ पे पहले तो महादेव की मूर्ति हुआ करती थी अंदर जाके, और अब देखते हैं अंदर कौन सा गेट के अंदर। हाँ महादेव की मूर्ति आज भी है, ये देख रहे हो आप अंदर जाके महादेव की मूर्ति मिलेगी आपको, आप दर्शन वगैरह भी कर सकते हो महादेव के। इस तरह से व्यू है यहाँ का, देख सकते हो। तो जो ये गेट बना हुआ है, ये बना हुआ है बद्रीनाथ टेंपल का गेट, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर है महादेव। तो ये देखो इस तरह से गेट की लुक है पूरी बद्रीनाथ टेम्पल की। और एक ये गेट और है, ये भी अभी नया बनाया है, ये देख रहे हो आप इस तरीके से। ये देख रहे हो आप इधर से चारों तरफ कितना प्यारा बना रहे हैं ये। स्टेट का बना रहे हैं ये, अपने सारे स्टेट का। इधर है SCO काउंसलर्स ऑफ हार्ड ऑफ स्टेट 2023। ये वाली हार्ट देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो दोस्तों देखो ये वाला गेट भी कितना प्यारा लग रहा है, इसके भी देखो डेकोर कितनी प्यारी की हुई है, इस तरीके से चारों तरफ है। ये देखो भाई बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आपको लेके चलता हूँ इस वाले गेट पे। ये देखो ये भी नया बनाया है पेड़ के ऊपर, देखो पूरा वो बनाया है हार्ट,
वो भी एक नया है, ये भी पहले नहीं था। ये देखो उधर ऊपर ऊपर पता नहीं कौन बैठेगा, पुलिस वाले बैठेंगे कौन बैठेंगे मुझे नहीं पता। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नया नया क्या क्या चीज़ लगी है इसमें। ये भी अभी एक गेट बन रहा है, पीछे भी आर्ट पेंटिंग हो रखी है। ये क्या बना रहे हो आप हैं? सीढ़ियाँ बना रहे हो? कौन से पेड़ के डंडे होते हैं ये हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में भाई से पूछता हूँ, ये भाई बता रहे हैं। भैया क्या बना रहे हो भाई लाल अभी आप? ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है ये तो पता है मेरे को सर। ये है क्या चीज़ मतलब कि? ये शोपीस है। शोपीस है? अच्छा इसका शोपीस का गेट बना रहे हो आप? अच्छा कौन सी थीम का गेट है ये? इसी का है। अच्छा तो भाई आप देख रहे हो इसका गेट बना रहे हैं ये अभी। इसके पिलर खड़े करेंगे, पिलर है ना ये, इन डंडों के अंदर सारी ये खड़े करेंगे इस तरह से। छप्पर से बन रहा है लकड़ी से, देख रहे हो आप इस तरह से। बीडिंग लगाई जा रही है, बीडिंग लगा रही है अभी तो लग रही है भाई से, बीडिंग लगा रहे हैं। ये देखो आप ये पेंटिंग लगी हुई है, इसको पेंटिंग को देखने के लिए एंटर गेट बना रहे हैं इस तरह से देख रहे हो आप। ऐसे करके ऐसे लगती है, ऐसे करके ये लगी हुई है। अब ये बीडिंग इस तरह से लग गई है, देखो आप काफी मेहनत का काम है भाई, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। खून पसीना एक करा रात दिन एक। तो 3 तारीख तक आप तैयार कर दोगे इसको? फाइनल 3 तारीख तक फाइनल कर देंगे ये बिल्कुल। और अभी ये सारा आपको उजाड़ सा लग रहा है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा 3 तारीख तक। तो भाई वेट करते हो फटाफट 3 तारीख का। और आप देख लिया होगा इस तरीके से, ये देखो अभी तक लगे पड़े कारीगर चारों तरफ दिन रात। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा व्यू है गेट का, ये रेडी करने वाले हैं। तो भैया एक्चुअली में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मेरे को बताने में कि मैं गेट इसको बता रहा था, बट ये भैया ने मेरे को बताया ये है ट्री हाउस जो ये बन रहा है पूरा इस तरह से। आप देख रहे होगे ये पूरा ये ट्री हाउस है, भाई ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था बताने में। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको देख लीजिए, जो बनने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं ठीक है। बाकी मैं आपको और आगे दिखाता हूँ और आगे कैसा नज़ारा मिलने वाला है सूरजकुंड मेले का। बाकी यार ब्लॉग में बहुत मेहनत लग रही है सच में यार, पूरा पैर टूट चुके हैं। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि आपका प्यार ऐसे ही बना रहा हूँ और मैं ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए लाता रहूँ नए नए लेटेस्ट। देखो भाई लंबी टांग वाला भी आ चुका है, जो हर बार आता था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लंबी टांग वाले को। और अभी यहाँ पे कुछ तैयारी चल रही है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई हैं देखो आपको मैं दिखाने वाला था सूरजकुंड में लंबी टांग वाले भाई। ये देखो भाई इनसे बड़ी टांग तो अभी तक मैंने फिलहाल किसी की नहीं देखी होगी। ये देख रहे हो भाई, देख रहे हो ये लिखा हुआ है भीमा काली टेम्पल हिमाचल प्रदेश 2020 का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा टेम्पल है। वो ये रहा टेम्पल, ये बनाया सूरजकुंड में नया। ये चीज़ भी आपको नई मिलेगी देखने को, नई चीज़ बनाई है ये भी टेम्पल। इसके अंदर भी एंट्री शायद होगी ठीक है, अभी तो फिलहाल बंद कर रखा है। मैं आपको स्टैचू दिखा रहा हूँ सिल्वर कलर का, ये है त्रिमूर्ति एलिफेंटा के। देख रहे हो आप त्रिमूर्ति के नाम से 3 मूर्ति बनी हुई हुई है, जितने भी खड़े हुए हैं सारा ग्रुप पीछे तक है। देखो आप ये अपने 3 तारीख के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं सारी। ये देखो आप इस तरह से सारे बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे बंदे 3 तारीख के लिए ट्रेंड होने वाले हैं भाई। ये देखो आप इस तरह से
सबकी स्टार्ट होने वाली है रिहर्सल। देखो भाई यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था रिहर्सल होने वाली है तो वो स्टार्ट हो चुकी है, वो देखते हैं अब। तो दोस्तों अब मैंने आपको पूरा मेला दिखा चुका हूँ कि इसमें क्या क्या तैयारी हो रही थी, क्या क्या नहीं हो रही थी, सब कुछ आपको दिखा दिया है। ये मेले का छत्तीसगढ़ का लास्ट गेट है ना, ये देख लो आप, ये गेट की इधर से एंट्री होती है, इधर से एग्जिट भी है, एग्जिट साइड उस साइड से है, पीछे की साइड से उधर से ये एंट्री गेट है इधर से, ये देखो आप। ये 2015 में बनाया गया था, जब 2015 में मेला लगा था, ये चपका गेट है, छत्तीसगढ़ का मेला लगा था तो जब का ही गेट लगा हुआ है अभी तक, ये देखो आप। तो दोस्तों इस वाले गेट से एंट्री अपने, ये छत्तीसगढ़ का गेट है ये वाला, ये देख रहे हो आप, यहाँ से मेले की एंट्री है और इधर से अपने एग्जिट है, इस वाले उधर से एग्जिट होके सीधा बाहर, ये देख रहे हो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का एग्जिट गेट भी। यार एग्जिट का गेट इधर, और अगर आप इधर नीचे जाओगे तो इधर नीचे का सारा रोड झूले का है, झूले का एरिया है सारा जो मैंने आपको दिखाया है वीडियो के अंदर, और इधर सारे अपने छोटे मोटे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, देख रहे हो आप इधर, ये सारे कैबिनेट बने हुए हैं ना जितने भी, यहाँ पे सारे छोटे मोटे स्टॉल वगैरह लगेंगी, और एकदम से बाहर एग्जिट करते ही टिकट काउंटर है, जो टिकट काउंटर का वो गेट है अभी रिपेयर हो रहा है। तो दोस्तों 3 तारीख, तो दोस्तों आपने पूरा मेला तो देख चुके हो, मैंने आपको सारा दिखा दिया है भाई मेला कि इसमें क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था। 3 तारीख को मेला आ जाना अगर जिसको देखना हो, और मैं आपको इसके वो बता देता हूँ प्राइस मेले के। इस बार इन्होंने यार बहुत टिकट महंगी कर रखी है, कि पहले जब हम छोटे थे तो मैं स्कूल टाइम पे था भाई, इसकी टिकट थी मेरे ख्याल से 50 रुपये या 40 रुपये टिकट थी इसकी, आज इसकी टिकट हो गई 180 रुपये। तो भाई अगर आपको 3 तारीख को मेला देखना है तो आप अपने साथ 180 रुपये लेके आए और टिकट लें और मेला देखिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो महंगा मेला लग रहा है ये, मुझे इस बार का बहुत महंगा मेला लग रहा है। फिलहाल तो यार देखो हर साल इन मेले में कुछ नहीं है, ये जैसा था ना वैसे ही है मेला, क्राउड फिर भी आना है, क्राउड फिर भी आएगा, ठीक है, चाहे इसमें 200 टिकट हो जाए चाहे 500 टिकट हो जाए, ठीक है, मेरे कहने से जिसको देखना होगा वो देखेगा, मेरे कहने से कोई रुकने वाला भी नहीं है, ठीक है। मेरा व्लॉग के माध्यम से ये दिखाना था कि भाई मेले में अभी ये काम चल रहा है, मेला 3 तारीख से 19 तारीख तक लगने वाला है और इसकी टिकट 180 रुपये है, तो भाई देखने वाला देखेगा, नहीं देखने वाला नहीं देखेगा, ठीक है। तो अभी जब टिकट उसकी 180 रुपये है तो अंदर खाने के लिए भी बहुत सारा जो भी छोले भटूरे वगैरह होगा उसके भी रेट आबे के बाबे होंगे। वो क्यों होते हैं, क्योंकि मेले वाले एक स्टॉल को, पहले जब मैंने 2014 में यहाँ पे स्टॉल ली थी सूरजकुंड मेले के अंदर, तो मेरे को 50,000 रुपये रेंट पड़ी थी वो स्टॉल, ठीक है, और अब स्टॉल का रेंट हो गया भाई 1,00,000 रुपये एक स्टॉल का रेंट है। तो भाई जो बंदा 1,00,000 रुपये देगा सूरजकुंड मेले के अंदर तो वो 180 रुपये तो टिकट लेगा ही लेगा मेले वाला जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो भाई उनका भी जायज़ है। बट जो आम जनता है वो भाई, कोई गरीब लोग देखना चाह रहा हो मेला तो वो 180 रुपये कहाँ से लाएगा यार, लिमिट के यार 100 रुपये टिकट कर दो। 120 इन्होंने पिछले साल करी थी कोविड से पहले, और अब इन्होंने एकदम से कोविड के बाद सीधा 180 रुपये टॉप ही मारी है, मतलब कहाँ 120 कहाँ 180। तो यार देखना चाहिए मेले वालों को भी, बाकी कुछ खास नहीं है भाई मेरे हिसाब से तो कुछ खास नहीं लगने वाला, बाकी देखते हैं।
मैं भी मेले का आपको व्लॉग दिखाऊंगा। अभी तो मैंने व्लॉग दिखाया है कि मतलब इसके अंदर क्या करेक्शन वगैरह चल रहा था, जो भी आपको दिखाया है इस व्लॉग के माध्यम से। बाकी जब मेला लग जाएगा तब मैं आपको मेला भी दिखाऊंगा। मेले का थोड़ा सा मैं लेट वीडियो डालूंगा क्योंकि मेरा 8 तारीख तक समझ लो वेडिंग है, तो मैं वेडिंग मैं बिजी हूँ, फोटोग्राफर हूँ, आपको पता ही होगा। तो मैं 8 तारीख तक तो मैं वैसे बिजी हूँ, ब्लॉग वगैरह नहीं बना सकता। तो मैं 8 तारीख के बाद मेले के भी ब्लॉग बनाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। देखिए आगे और भी ऐसे ब्लॉग लाते रहूंगा मैं।